कोरोना के इस महामारी के दौर में ऐसे बहुत सारे लोग रहे जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, घर परिवार को चलाने में, दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में ये सारी समस्याएं आई। मैं, आप, हम सब ने अपने माध्यम से और अपने स्तर से जितनी सहायता हो सकती थी हम लोगों ने किया, लेकिन अभी भी वो वक्त गुजरा नहीं है जब सारी समस्याएँ ख़त्म हो गई हों। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। हमारे और आपके जैसे लोग और समाजसेवी संस्थाओं ने लगभग हर किसी तक पहुंचने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं अपने बक्सर ज़िले के खबरों की शुरुआत करते हैं। मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो बक्सर ज़िले में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है और कुल मिलाकर 28 नए संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक ही दिन में 28 लोगों का संक्रमित होना एक बार फिर से बक्सर को गर्त की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है। इन 28 में से ज़्यादातर मामले तो बक्सर शहर के हैं और बक्सर शहर के हालात क्या है ये वहाँ के लोग ही बता सकते हैं। हमने व्यक्तिगत रूप से बक्सर के कुछ निवासियों से बात करने की कोशिश की और उन्होंने जो स्थिति हमें बताई वह वास्तव में चिंताजनक है। डर के साए में जीने को विवश है अभी बक्सर के निवासी। इसके बावजूद जो कोरोना से डर रहे हैं वो पूरा डर रहे हैं और जो नहीं डर रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और इस कोरोना को चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं। अभी ये स्थिति नहीं है कि हम इस कोरोना को चैलेंज करें और बहुत ही ज़्यादा भीड़ कहीं पर इकट्ठा करें। अतः बक्सर टाउन में जो भी लोग अभी निवास कर रहे हैं हमारा आपसे निवेदन होगा कि आप स्थिति की गंभीरता को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके नगर में ये संक्रमण पूरी तरीके से अपने पाँव को पसार चुका है। कोई गली कोई मोहल्ला अब शेष नहीं रहा बक्सर में जहाँ पर संक्रमण नहीं पाया गया है और जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है उतनी ही ज़्यादा संक्रमण की पुष्टि हो रही है। अभी फ़िलहाल हम आपको बता दें कि 28 नए केसेज आए हैं। इनमें से इन 28 केसेज के साथ साथ हमारे यहाँ अब पूरे संक्रमण की संख्या 410 पहुँच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 28 नए जो केस मिले हैं तो 18 नए रिकवरी भी हुई है। तो 18 रिकवरीज हो जाने के कारण कुल मिलाकर अब हमारे यहाँ रिकवर्ड लोगों की संख्या 274 है, यानी कि अभी हमारे यहाँ बक्सर ज़िले में एक्टिव केस केवल 136 चल रहा है। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना होगा कि 869 सैंपल्स भेजे गए हैं जिनका रिजल्ट अभी आना शेष है और जब ये रिजल्ट आएंगे तो और पता चलेगा कि ये संक्रमण कितना हद तक बढ़ता है। ये जो संक्रमण अभी बक्सर टाउन में फैल रहा हर जगह जहाँ पर आप उम्मीद नहीं कर सकते थे वहाँ पर यह संक्रमण जा रहा है। विशाल मेगा मार्ट चरित्र वन मार्ग में स्थित है, आप सभी लोग जानते हैं, कई बार वहाँ पर गए होंगे, हम स्वयं भी कई बार विजिट किए हैं। वहाँ के जो स्टाफ हैं जो काम करते हैं उनमें भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो एक ऐसा जगह जहाँ पर लोगों को आवश्यकता की चीज़ें मिलती है वहाँ पर भी संक्रमण आना यह बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है। हम आशा करते हैं कि विशाल मेगा मार्ट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों का जाना आवश्यक है, अगर वो मार्ट नहीं चलता है तो कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जल्द से जल्द उनके कर्मचारी रिकवर करें और कोई दूसरा संक्रमण ना हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने बक्सर टाउन में तो सदर प्रखंड, धोबी घाट, बंगाली टोला, सिविल लाइन, रामरेखा घाट, अम्बेडकर चौक, चरित्र वन, बाबा नगर, पीपी रोड, समाहरणालय, नालबंद टोली, चीनी मिल, रामबाग, आईटीआई फील्ड, नया बाज़ार, मठिया रोड, सोनवर्षा, इनमें से सबसे अधिक मामले जो बक्सर ज़िले में आए हैं वो बाबा नगर से आए हैं। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि समाहरणालय के पास स्थित केनरा बैंक के कर्मचारी में भी एक बार फिर से संक्रमण पाया गया है। तो ये संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन अपनी कोशिश करिए, जनता अपनी कोशिश करिए, सरकारें अपनी कोशिश करिए, लेकिन जैसा कि हमारे YouTube के तमाम दर्शक भी कहते हैं कि जितने ज़्यादा टेस्टिंग होंगे उतना ही ज़्यादा संक्रमण आएगा और ये सत्य है। आप अभी देख रहे हैं कि केवल बक्सर टाउन से ही ज़्यादातर संक्रमण आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका एक और कारण है कि बाकी जगहों पर उतनी टेस्टिंग नहीं हो रही है। डुमराव में उतनी टेस्टिंग नहीं हो रही है, छोटे छोटे गाँव में उतनी टेस्टिंग नहीं हो रही है, जिस वजह से अभी केवल फोकस किया जा रहा है जहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर टेस्टिंग करना अनिवार्य है, तो बक्सर की अभी टेस्टिंग चल रही है। एक खुशी की बात यह है कि अब हमारे बक्सर ज़िले में 4 जगहों पर ऐसी व्यवस्था की गई है जहाँ पर यदि आप में से किसी को लगता है कि आपके अंदर लक्षण आ रहा है कोरोना का तो आप अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हैं, जाँच नहीं स्क्रीनिंग करा सकते हैं। स्क्रीनिंग में जो चिकित्सक आपकी स्क्रीनिंग करेंगे अगर उनको लगेगा कि आपके अंदर वास्तव में कोरोना के लक्षण है तो आपको आगे की जांच कराने के लिए रेकमेंड करेंगे, आपको सलाह देंगे, वहाँ पर जाना होगा। तो यदि आप में से किसी को लगता है ऐसा तो आप स्क्रीनिंग कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावा नगर पर जा सकते हैं। इसके अलावा अनुमंडलीय अस्पताल डुमराव में पहुँच सकते हैं। इसके अलावा पुराना सदर अस्पताल बक्सर में पहुँच सकते हैं और
सदर अस्पताल बक्सर में भी जा सकते हैं। ये चार ऐसे जगह हैं। चारों जगह पर जाने के लिए अगर आपको फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूँ, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है वहाँ पर आप जाकर या उनसे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हैं। इस बीच हम आपको बताएं कि बहुत सारे लोगों ने रिकवरी भी किया है, और सबसे पहले रिकवर्ड करने वाला जो गांव था वो नया भोजपुर था। सबसे ज़्यादा संक्रमण और सबसे ज़्यादा रिकवरी नया भोजपुर में हुई थी। तो अब जो रिकवरी कर चुके लोग हैं उनमें से कुछ लोग समाज सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। समाज सेवा मतलब वो अपने प्लाज्मा को डोनेट कर रहे हैं और उनके प्लाज्मा से अन्य संक्रमितों का इलाज संभव हो रहा है। पटना के एम्स में इसकी प्रैक्टिस चल रही है। इस कड़ी में हमारे नया भोजपुर के रहने वाले लव कुमार वर्मा, जो कि हमारे विद्यार्थी भी रह चुके हैं, उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। उनके मोहल्ले में बहुत ही ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ था, परिवार के कुछ अन्य लोग भी संक्रमित हुए थे। ईश्वर के आशीर्वाद से वो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर पर लौट चुके हैं। तो लव कुमार वर्मा ने अपने प्लाज्मा को डोनेट किया अन्य संक्रमितों के इलाज के लिए। इस नेक कार्य के लिए हमारे बक्सर के जिलाधिकारी श्री अमन समीर साहब ने उन्हें अपने यहाँ बुलाकर प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया और साथ ही साथ उनके हौसले की प्रशंसा की और ऐसा उम्मीद जताया कि अन्य जो व्यक्ति हैं जो कि कोरोना से रिकवरी करके घर पर लौट चुके हैं वो भी अपने प्लाज्मा को डोनेट करें ताकि अन्य लोगों का भी इलाज संभव हो सके। तो यह हमारे बक्सर ज़िले का कुल अपडेट है। आप सभी दर्शक जो भी इस वीडियो को देखते हैं और हमारे अपडेट्स को देखते हैं, आपसे निवेदन होगा कि आप ज़्यादा किंतु परंतु न लगाकर और प्रश्न चिन्ह न उठाकर अभी के समय में हमें अपने प्रशासन अपनी सरकारों का सहयोग करना होगा। कोरोना इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, आप ये सोचो कि कितने डॉक्टर्स कितने नर्सेज इस कार्य में लगे हुए हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का डर है। कोई कोरोना संक्रमित से टच नहीं करना चाहता, इसके बावजूद हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज उनके इलाज कर रहे हैं। अतः आप उनको उनके साथ कोऑपरेट करें, अपना ख्याल रखें, संक्रमण बढ़ने से रोके, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रहें और अपने को भी सुरक्षित रखें। इसके लिए हमेशा बाहर जाएं तो मास्क अवश्य लगाएं, बाहर नहीं जाएं तो अच्छा है और जाएं भी तो पूरी एहतियात बरतें। आप सैनिटाइज़र से अपने हैंड्स को हमेशा धोते रहें, हैंड वॉश करते रहें और अपने परिवार वालों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। हम आप सभी के सकुशल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।